अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज हुमैरा में। मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 135 के साथ, और इसमें कंटिन्यू करेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक नए टॉपिक के साथ, विच इज़ कपलिंग। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोज़ विजय यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कपलिंग। तो देखते हैं कि हमारे पास जो है कपलिंग होता क्या है। तो हमारे पास कहता है कि एनी मॉडिफिकेशंस विल अप्लाई टू अ फ्यू ऑफ मॉड्यूल्स, कि आपने जो मॉडिफिकेशंस की है, मॉडिफिकेशन से मुराद होता है कि हमने कुछ चेंजिंग की है, हमने अपने डाटा में जो है तब्दीली लेकर आए हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स में हमने कुछ मॉड्यूल्स में तब्दीली की है। एक्सेप्शंस में क्या है कि अगर आपने एक मॉड्यूल में चेंज किया है तो वो दूसरे पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका गोल क्या है, कहता है कि ये मिनिमाइज़ करता है इंडिपेंडेंसी को और मैक्सिमाइज़ करता है इंडिपेंडेंसी को और मिनिमाइज़ करता है लिंकेज बिटवीन्स मॉड्यूल्स। सिंपल वर्डिंग में अगर देखें कि आपने अपने डाटा को डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को आपने नेम दे दिया है मॉड्यूल्स का, और अब आपको चेंजिंग करनी है एक मॉड्यूल में, तो आप एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे और वो दूसरे मॉड्यूल पे अफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि हमारा एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या है, आज़ाद है, आप ठीक है, और ये हमारे पास क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है मॉड्यूल्स के आपस के लिंक को, और बढ़ा देता है, मैक्सिमाइज कर देता है इंडिपेंडेंसी को। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है कि इंटर मॉड्यूल्स कपलिंग, कपलिंग देख लिया, कपलिंग्स, और नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर मॉड्यूल कपलिंग। कहता है कि हमारी एक जो मैट्रिक्स होती है वो मैयर करती है कॉम्प्लेक्सिटी को, तो इसने क्या करना होता है, इसने मेंटेन करना रखना होता है सॉफ्टवेयर को। और ये क्या कि इंटर मॉड्यूल्स कपलिंग, कि इसने मॉड्यूल्स को इंटरनली कनेक्ट करवाना होता है। ये नहीं है कि हम लोगों को थ्रू आउट ही जो है इंडिपेंडेंसी चाहिए है, कि हमारा एक चेंज एक के ऊपर जो है अफेक्ट ना करे। समटाइम ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम एक मॉड्यूल के अंदर चेंज कर दें और दूसरा ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अपडेट कर दे, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटर कपलिंग की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि हम लोगों के पास अगर एक, हम लोगों ने 10 मॉड्यूल्स किए हैं, 20 मॉड्यूल्स किए हैं, तो वन बाय वन सब में इंडिपेंडेंसी की वजह से चेंजिंग करना मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इंटरनली कनेक्ट कर देंगे कि आपने जिन मॉड्यूल्स का डाटा आपस में लिंक करता है उनको आपने जो है इंटरनली कनेक्ट करवा दिया, और चेंज आपने एक में किया, और ये दूसरे पे जो है क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अब यहाँ पर आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि कंट्रोल कपलिंग जो है क्या होता है, कहता है कि जब बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स आपस में डाटा को पासिस कर रहे हों, ठीक है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे मॉड्यूल में डाटा जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल कपलिंग को इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल गेम है, कंट्रोल गेम के ये दूसरे मॉड्यूल्स हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यहाँ पर इसको, हमारे पास ये कंट्रोल कपलिंग में आपको नज़र आ रहा होगा कंट्रोल गेम है, तो बाकी सर्वर है, तो सर्वर ने अपना डाटा जो भी काम होगा करके जो है किसको दे देना है, जो है एग्जीक्यूशन एक दूसरे के अंदर क्या है ये इंटरचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है डाटा कपलिंग। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये रेफर्स करता है कि जिन मॉड्यूल्स में आपस में डाटा शेयर करना है, अगर दो मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट से मुराद होता है मुदाखलत करना, ठीक है, अगर एक मॉड्यूल में मेरा डाटा पड़ा हुआ है और दूसरे मॉड्यूल में भी डाटा पड़ा हुआ है और मैंने दोनों को आपस में प्लस करना है, तो ये क्या है कि ये यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही है। कहता है कि अगर दो मॉड्यूल आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं और इनका डाटा सेम है, देन मॉडिफिकेशंस क्या होगी कि आप एक में मॉडिफिकेशंस कर दो और दूसरे में जो है ये अफेक्ट जो
है ये करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये इंटर जो है लिंक है इनका आपस में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट पासिंग। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इम्प्लिसिटली और एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली वो होता है जो प्रोग्रामर खुद करता है, और इम्प्लिसिटली वो होता है कि अगर हमसे ये स्टेप मिस हो गया है तो जो कंप्यूटर में हमारे पास कंपाइलर होता है ये ऑटोमेटिकली उस टास्क को कर देता है। ये हमारे पास कहलाती है इम्प्लिसिटली। और एक्सप्लिसिटली कौन सी होती है? जो डायरेक्टली हम खुद करते हैं। कहते हैं कि हमने जो है पैरामीटर्स दिए हैं, पैरामीटर्स आप लगा लें कि आपने एक क्लास बनाई है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स को कोई वैल्यू दी है, जैसे कंट्रोल गेम में है तो इसमें जो है बताना है कि कौन कौन सी इसकी क्रैकेटिक्स है और क्या कौन सी इनके ऊपर जो है कॉल होंगे, कि हर चीज हमने इसके अंदर जब खुद बताई है कि हमने पैरामीटर्स खुद दिए हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्सप्लिसिट पासिंग होगी। और अगर आपने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू असाइन करेगा, और जो कंपाइलर उसको वैल्यू असाइन करेगा वो इम्प्लिसिटली होगी, और जो आप देंगे जो है वो एक्सप्लिसिटली होगी। इन दोनों में डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल डाटा है, तो ग्लोबल डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि डाटा आइटम्स डाटा ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल मॉड्यूल्स थ्रू आउट द सिस्टम। जितनी देर तक आप उस सिस्टम के अंदर है और जो डाटा सभी को अवेलेबल है पब्लिकली, ठीक है, जो सबको इक्वली जो है अवेलेबल है, डैट्स कॉल आवर ग्लोबल डाटा। नेक्स्ट हमारे पास हमारी समरी आती है, और इसमें हमने कपलिंग, ठीक है, इंटरमोड्यूल्स कपलिंग पढ़ी है, कंट्रोल कपलिंग एंड डाटा कपलिंग पढ़ी है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन ऑन है, आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए वी यू फॉर ऑल विद सुमेरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।